सो हेलो गाइस, आप सब लोग मुझे तो जानते ही हैं। मैं हूं आपका होस्ट शुभम पांडे और स्वागत करता हूं आपका फिल्म रिव्यूज बाय खबरी में। निर्लज तो फिर आ गया। तो आज बेसिकली हम किसी फिल्म नहीं, एक वेब सीरीज का रिव्यू करने वाले हैं। रिसेंटली मैंने खाकी नाम की एक वेब सीरीज देखी नेटफ्लिक्स पर, मुझे काफी ज्यादा पसंद आई, तो मैंने सोचा कि यार इस पे एक रिव्यू तो बनता ही है। काफी बड़ी वेब सीरीज है, तो मैंने कुछ पॉइंटर्स भी बनाए हैं कि आपको मैं कुछ कुछ चीजें बताऊं। अगेन फॉर अ स्टार्ट कि मैं कोई स्पॉइलर नहीं देने वाला, हालांकि इस फिल्म में ऐसा स्पॉइलर लायक कुछ है नहीं, बिकॉज ये एसपी अमित लोढ़ा के ऊपर बनाई गई एक बायोपिक कह सकते हैं। तो उनकी कहानी लोगों ने पढ़ रखी है, तो उनमें पता है लोगों को कि वो क्या है उसमें, तो ऐसा कुछ उसमें स्पॉइलर है नहीं कि क्लाइमैक्स में कुछ अलग होने वाला है। बट स्टिल अरे कहना क्या चाहते हो? मेरे को बहुत अच्छी लगी। तो बेसिकली ये जो फिल्म खाकी बनी है, सॉरी वेब सीरीज जो बनी है, तुमसे ना हो पाएगा। ये एक बिहार डायरीज करके एक किताब है, उसके ऊपर बनी हुई है। उसके ऑफिशियल कहना चाहिए राइट्स हैं इनके पास, जिसके बेसिस पे इन्होंने फिल्म बनाई है। और ये ओपनली लिख के बोलते हैं कि हाँ, बेस्ड ऑन द बुक बिहार डायरीज, जिसमें अमित लोढ़ा की बारे में बहुत सारी कहानियां दी हुई हैं कि कैसे कैसे वो लोगों को एनकाउंटर करते थे या कैसे कैसे उन्होंने केसेस सॉल्व किए हैं। मेन कहानी पे अगर आए अपन या कंटेंट पे अपन आए, तो सबसे जो धांसू चीज है इस पूरी वेब सीरीज में वो ये है, वो इसका स्क्रीन प्ले है। स्क्रीन प्ले बहुत ही शानदार तरीके से लिखा गया है और वैसा ही उसको फिल्माया भी गया है, जो कि यूजर्स को या व्यूअर्स को बहुत अट्रैक्ट करता है, रोक के रखता है बेसिकली। मैंने तो बिंज वॉच किया है इस सीरीज को, मतलब मैं देखना चालू किया तो मुझे तो लगा ही नहीं कि यार मेरे को इसको बढ़ाना चाहिए या स्किप करना चाहिए या कुछ दिन बाद देखना चाहिए। मतलब मैंने तो इसको हैंड टू हैंड तुरंत तुरंत अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। तुरंत ही देखा है। और आई गेस अगर ये मैं कर लेता हूँ, आप जाके सपना 11 पे टीम बनाइए। लोगों ने नहीं देखी है तो आप लोग को भी ये फिल्म पसंद आएगी। फिर इसका दूसरा एक प्लस पॉइंट जो मुझे लगा कि इसमें सिनेमाटोग्राफी बहुत अच्छी, स्पेशली ड्रोन शॉट्स बहुत शानदार तरीके से लिए गए हैं। मतलब मैंने बहुत सारी फिल्में देखी हैं, बहुत सारी सीरीजेस देखी हैं, मुझे अभी तक का बेस्ट ड्रोन वर्क इस फिल्म में लगा, इस वेब सीरीज में लगा। ड्रोन बहुत अच्छे से यूज किया है, ड्रोन फुटेजेस बहुत अच्छे से यूज करी हैं। कई बार ड्रोन ऐसे चल रहा है, क्या बोला तूने? मतलब जनरली मैंने जितना देखा है कि कोई भी फिल्म या कोई भी सीरीज में ड्रोन्स जनरली लोग सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट में यूज करते हैं। इन्होंने ड्रोन से एक सस्पेंस क्रिएट करने की भी कोशिश करी, कई बार बीच में ड्रोन चलने लग जाता है। स्टार्टिंग तो ड्रोन से होती ही है, लेकिन बीच में भी ड्रोन्स आता है और वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इम्पैक्ट छोड़ के जाता है, तो ड्रोन वर्क शानदार है। फिर अब आते हैं अपन मेन कहानी पे। एक्टिंग बहुत शानदार करी है, सारे ही कलाकारों ने बहुत ही अच्छी एक्टिंग करी है, और छोटे छोटे रोल्स भी हैं कुछ लोगों के, उन्होंने भी बहुत शानदार एक्टिंग करी है। उससे मेरा क्या फायदा? एट इज वाई ये पूरी, देखिए क्या है कि कोई भी कंटेंट अगर अच्छा है तो वो ऐसे ही अच्छा नहीं होता, उस पर काफी ज्यादा टीम वर्क होता है तब जाके, और सब सारे सारे सेक्टर्स में अगर काम अच्छा होगा तो ही ये अच्छा काम होगा। हाँ हम मालूम है, तेरे बाप को मत सिखा, चल। एक चीज और है कि डीओपी ने बहुत अच्छा काम किया है, इसके सिनेमेटोग्राफी एक्चुअली बहुत अच्छी है और ड्रोन वर्क मैंने आपको बताया बहुत शानदार है। अब आते हैं अपन मेन कहानी में। सबसे ज्यादा अहम चीज इसमें ये है कि बिहार का किस्सा दिखाया गया है कि बिहार में कैसे स्ट्रगल्स हैं। बिहार आप लोग जानते ही हैं, बिहार का नाम सुन के ये क्राइम वर्ड अपने आप बाहर आ जाता है, तो उसी से रिलेटेड ये कहानी है। तो स्टार्टिंग में ही अमित लोढ़ा की जब पहली पहली पोस्टिंग होती है तो उनको बिहार कैडर मिलता है, तो वहाँ का उनका स्ट्रगल दिखाया गया है। कुछ चीज़ें मुझे फिल्म की बहुत अच्छी लगी, वो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। जैसे स्टार्टिंग में ही वो लोग ट्रेन में जब जा रहे होते हैं, बिहार जब पहुंच रहे होते हैं, तो उनमें डिस्कशंस होते हैं कि यार बिहार में चीज़ें उतनी सही है नहीं, तो उतने में ही क्या होता है कि बीच में ही ट्रेन रुकवा लेता है कोई, तो वही लोग डिस्कस कर रहे होते हैं तो बोलते हैं कोई नेता मंत्री को उतरना होगा या चढ़ना होगा इसलिए रुकवाई है। अच्छा तो ये लोग भी मतलब अमित लोढ़ा जो बने हैं ये भी उनसे अग्री करते हैं, अच्छा ऐसा चलता है क्या। ठीक है, कुछ देर बाद पता चलता है कि हवलदार उन्हीं को लेने आया रहता है, समझ गया। क्योंकि उनको पहले से खबर मिल चुकी होती है कि एसपी अमित लोढ़ा आ रहे हैं, तो वो इन्हीं को रिसीव करने आता है। तो वहां पे एक थोड़ा सा फन पार्ट है
फिर एक चीज और है कि जब स्टार्टिंग स्टार्टिंग में मिथिलोदा बिहार पहुंच जाते हैं तो वहां पर उनको थोड़ा सा स्ट्रगल होता है, तो जो उनका पर्सनल ड्राइवर रहता है वो उनको बोलता है कि सर आप मैं से हम में आ जाइए तो आप वैसे ही बिहार को अपना, मतलब बिहार आपको अपना लेगा और आप बिहार को अपना लेंगे। तो वो एक बड़ा अच्छा लगा, बिकॉज एक होता है ना सर, हर जगह का रीजन का एक एक स्लैंग होता है जो वहाँ के लोगों से कनेक्ट करता है। अगर जब आप गांव में जाके इंग्लिश बोलेंगे तो लोग आपको वैसे भी, मतलब ठीक है, दे विल एडमायर यू, बट उतना पसंद नहीं करेंगे कि यार क्या है, ठीक है। मतलब बात जब आप करोगे तो आपको नॉर्मल स्लैंग में, वहीं के स्लैंग में बात करनी पड़ेगी, तभी लोग आपको पसंद करेंगे। तो वो चीज़ है हम वाली बात, तो वो हमसे एक कनेक्टिविटी आती है। फिर अपन अगर और आगे जाएँ तो जो बेसिकली इसमें जो कहना चाहिए, जो एंटागनिस्ट है नेगेटिव कैरेक्टर में, चंदन महतो करके कैरेक्टर है, वो उसका भी इन्होंने एक बेसिक से स्ट्रगल दिखाया है कि पहले वो कुछ नहीं होता है, पहले वो क्या काम कर रहा होता है, उसने कैसे कैसे क्राइम की दुनिया में वो घुसता है, मतलब उसका पूरा एस्टेब्लिशमेंट है जीरो से लेके उसके मेन, कहना चाहिए कि उस एरिया के तानाशाह बनने की कहानी पूरी उसकी भी एस्टैब्लिश करी है। साथ ही साथ एसपी भी नया ही होता है जब उनकी पहली पोस्टिंग होती है, तो ये भी ग्रो कर रहे होते हैं और नेगेटिव कैरेक्टर भी ग्रो कर रहा होता है। सेम धीरे धीरे चीजें बढ़ती जाती हैं तो पता चलता है ये भी बढ़ रहे हैं, वो भी बढ़ रहा है, ये भी बढ़ रहे हैं, वो भी बढ़ रहा है, एंड देन इनका कॉम्पिटिशन चलता है। तो बहुत अच्छे से दिखाया है, मतलब दो साइमल्टेनियस कहानियां भी चल रही हैं, इसमें चंदन महतो की एक अलग कहानी चल रही है, इसकी अलग कहानी चल रही है, देन एक पैरेलल कहानी और चल रही है जिसमें इनके केस सॉल्विंग स्ट्रैटेजीज है और इनके क्राइम्स दिखा रहे हैं और ये लोग आपस में भिड़ भी रहे हैं, ये भी दिखाया जा रहा है, लेकिन इंडिविजुअली भी दोनों का ग्रोइंग स्टेज दिखाया गया बहुत अच्छे तरीके से। हाँ ये है कि एक थोड़ा मसाला मिर्ची डालने के लिए कहना चाहिए कि एक अच्छा रोमांटिक रिलेशनशिप भी दिखाया है अमित लोढ़ा और इनकी वाइफ के बीच में, जो कि है थोड़ा बहुत नोक झोंक, फनी, मस्ती, मजाक, अच्छा है। फिर एक चीज़ और मुझे बड़ी अच्छी लगी कि थोड़ा सा क्या है कि बिहार यूपी में कास्ट क्रिटिसिज्म बहुत चलता है, कि नो जातिवाद वहाँ बहुत ज़्यादा है, कि लोग अपने अपने जाति वालों को प्रमोट ज़्यादा करते हैं, कोई भी जो भी जिस जाति का होगा वो उस जाति वाले को ज़्यादा प्रमोट करता है। तो एक फिल्म में एक किस्सा है जिसमें एक ठाकुर, एक राजपूत एक मर्डर कर देता है, ये सबको पता होता है, तो कहीं से खबर उठ जाती है कि यार जो एसपी अमित लोढ़ा है वो राजपूत है, इसलिए उन्होंने उसको पकड़ा नहीं है। तो सारे हाई डिपार्टमेंट से इनके पास फोन आता है कि अरे सर आपने बताया ही नहीं कि आप राजपूत हैं। तो इसने कहा कि पहली चीज तो मैं राजपूत हूँ नहीं, और ये हवा खवा मतलब ये कौन फैला रहा है। तो वो कहते हैं अच्छा आप नहीं हैं, तो अगर आप नहीं हैं तो आपको अपनी जाति का परिचय देना पड़ेगा, और जाति का परिचय ऐसे देना पड़ेगा कि आपको किसी राजपूत को पकड़ के अंदर करना पड़ेगा, नहीं तो लोग आपको राजपूत राजपूत के नाम पे क्रिटिसाइज कर देंगे। तो फिर होता यह है कि वो पकड़ तो खैर उसी क्रिमिनल को ही लेते हैं जिसने मर्डर किया होता है, बट ये भी एक थोड़ा फन पार्ट है जो कि बहुत अच्छा लगा मुझे। मतलब एक कहना चाहिए एक क्राइम थ्रिलर फिल्म में, थ्रिलर तो नहीं कहूंगा, एक क्राइम फिल्म में एक कॉमेडी पार्ट थोड़ा सा आ जाता है, तो एक वो भी एक अपने आप में एक अच्छी चीज, एक प्लस पॉइंट देता है, व्यूअर्स को भी मजा आता है। थोड़ा थोड़ा नोक जोक है जिसमें आपको बीच में हंसी आएगी थोड़ी बहुत, आपको एक्चुअली अच्छा लगेगा। बाकी अगर अब अपन मेन कहानी पे और आए तो थोड़ा और आगे अगर जाऊंगा तो पहले तो ये कहानी थोड़ी नॉर्मली चलती जाती है जिसमें इनका स्ट्रगलिंग फेज दिखाया जाता है कि कैसे कैसे ग्रो कर रहे हैं, कैसे कैसे ग्रो कर रहे हैं। फिर होते हैं बिहार में इलेक्शंस, बिहार में इलेक्शंस होते हैं तो एक हाई प्रोफाइल मीटिंग होती है पुलिस वालों की, जिसमें कहा जाता है कि भैया हमको फेयर इलेक्शंस कराने, हमको फेयर इलेक्शंस। अब नाउ यंग मोटिवेटेड अमित लोढ़ा सेज कि हाँ मैं अपने डिस्ट्रिक्ट में फेयर इलेक्शन कराऊंगा इस बार। तो इनको इनके कुछ जो हेड्स होते हैं एसएसपी एसएचओज, ये आके समझाते भी हैं कि भैया ये तो मीटिंग्स में चलता रहता है, तो यहाँ पे हाँ हाँ बोलना है, बाकी करना अपने को अपना ही काम है। मतलब इनडायरेक्टली दे आर वार्निंग हिम कि भाई आप अपना काम बिहार जैसे ही करो, ज़्यादा तेज चलोगे तो दिक्कत होगी, ये हाँ हाँ जो भी करता है लेकिन अपना काम ये सही से करता है, और एक तरीके से जिस डिस्ट्रिक्ट में ये काम कर रहे होते हैं उस डिस्ट्रिक्ट में ये फेयर इलेक्शंस करा देते हैं। अब होता ये है कि रिजल्ट के टाइम पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इनको पता चलता है कि इनका ट्रांसफर हो गया, तो बड़े हैप्पीली पूछते हैं कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट मिला, तो इन्हें पता चलता है कि इस बार इनको डिस्ट्रिक्ट मिला ही नहीं है, इनको इस बार हेड ऑफिस में डेस्क जॉब में बुला लिया गया है। तो थोड़ा सा वहाँ से एक नेगेटिव फेज भी चालू होता है जहाँ पे इनको एक्चुअली बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है,
क्योंकि पहली चीज तो जो मार्केट का आदमी, ग्राउंड का आदमी, जिसको ग्राउंड में भागने दौड़ने की एकदम आदत हो चुकी है, उसको इसके लिए एकदम कोई प्रोजेक्ट ना होना, कोई डिस्ट्रिक्ट ना मिलना, एक अपने आप में एक डिवास्टेटिंग सी सिचुएशन आ जाती है। तो थोड़ा सा वहाँ पे इनका एक नेगेटिव फेस भी दिखाया गया है। उस केस में ये भी होता है कि इनकी थोड़ी सी अपनी बीवी के साथ भी झड़प होती है, क्योंकि अगेन वही आदमी फ्रस्ट्रेटेड है, वो भी एक बहुत अच्छे तरीके से फिल्माया गया है। फिर और भी प्रॉब्लम्स हैं, ये अपने सीनियर्स से हेल्प मांगने जाते हैं, जो जनरली इसके पहले ये कभी ऐसे बहुत ज़्यादा इनको दिखाया नहीं गया कि ये बहुत ज़्यादा हेल्प मांगने जा रहे हैं, लेकिन उस समय ये अपने एसएसपी से भी जाके बोलते हैं कि यार सर कुछ करिए, मेरा कुछ थोड़ा बात करिए कि मेरे को डिस्ट्रिक्ट विस्ट्रिक्ट मिल जाए, ऐसा वैसा। पर वही सबका काम भी तक ठीक है, हम बात करेंगे हम बात करेंगे, लेकिन उतनी ज़्यादा कोई बात करता नहीं। एक्चुअली होता ये है कि बिहार में ही एक डिस्ट्रिक्ट होती है मानिकपुर करके, वहाँ पे एक मास किलिंग होती है, तो जिसको मानिकपुर कांड कहा जाता है। तो वो मास किलिंग कहना चाहिए कि इनके लिए, मतलब वैसे तो मास किलिंग अच्छी चीज़ नहीं थी, लेकिन अमित लोढ़ा सर के लिए कहना चाहिए कि एक अच्छा वो बन के आई, क्योंकि वो मास किलिंग होती है, करीबन 25-30 लोगों को एक साथ निपटा दिया जाता है। उसके बाद ही अमित लोढ़ा को वहाँ की पोस्टिंग मिलती है और वो उस मानिकपुर डिस्ट्रिक्ट के एसपी बन के वहाँ पे जाते हैं। और मेन बेसिकली वो मास किलिंग चंदन महतो ही करता है, जो इस फिल्म में नेगेटिव किरदार निभा रहे हैं। और यहीं से कहानी अगेन, अब इनका फेस टू फेस चालू हो जाता है कि साहब ये इसको चंदन महतो को पकड़ना है, और इसको बेसिकली वहाँ प्लेस ही इसलिए किया जाता है कि भैया तुमको चंदन महतो को पकड़ना है। फिर यहाँ से जो आखिरी के दो एपिसोड्स की कहानी इन्होंने बहुत अच्छे से दिखाई है, ऐसे कि साहब कैसे कैसे करके इन्होंने चंदन महतो की गैंग के एक एक बंदे को हटाते गए हटाते गए हटाते गए। मतलब देखो, इसको एक चीज़ समझ में आ गई थी कि साहब ही इज़ वेरी स्ट्रांग एंड ही इज़ वेरी स्मार्ट ऑल्सो, आप इतना ईजिली उसको नहीं पकड़ सकते, तो आपको एक स्ट्रेटेजाइज करना पड़ेगा। जब आप कोई स्ट्रांग बंदा है उसको आप इजीली नहीं पकड़ सकते, तो आप क्या करो, आप उसको वीक करो। वीक करोगे तो सामने वाला कोई गलती करेगा, कोई गलती करेगा तो आप उसको पकड़ सकते हो, क्योंकि आपको जब पता ही नहीं है कि गलती कर रहा है, अब जब गलती नहीं हुई तो आपको पता ही नहीं है कि वो है कहाँ, अब अगर है ही नहीं कहाँ तो आप क्या करोगे, कोई भी चीज़ हो गई आपने पकड़ ही नहीं पाए। अब ये वेट कर रहे हैं कि मतलब उससे गलती करवाइए, तो इन्होंने बहुत अच्छे से चीज़ें दिखाई। उस समय फ़ोन टैपिंग और वो सब चीज़ें इन्होंने जैसे तैसे स्ट्रगल्स में करी, कुछ कहीं से परमिशंस लेके चीज़ें करी, वहाँ से एक एक करके के गैंग मेंबर्स को इन्होंने हटाते गए। आखिरी में जिस तरीके से इन्होंने चंदन महतो को पकड़ा है, बिकॉज वो भी होता है आखिरी में, उसे भी समझ में आ जाता है कि यार ये तो हमारे साथ खेल रहा है, वो भी समझदार है, ऐसा नहीं है। मतलब चंदन महतो वॉज नॉट इतना ईजी टू कैच, मतलब वो भी बहुत समझदार था, उसने भी चीज़ें पकड़ ली थी कि यार ये खेल रहे हैं हमारे साथ, तो वो इनके साथ खेलने लगे। तो बड़ा अच्छा गेम है, मतलब एक चोर पुलिस का गेम बहुत अच्छा है इस कहानी में, इंटरेस्टिंग कहानी, आपको देख के एक्चुअली मज़ा आएगा। लास्ट में जिस तरीके से लोग चंदन महतो को पकड़ते हैं वो भी बहुत शानदार है। आफ्टर ऑल, मतलब ओवरऑल अगर मेरे से कोई पूछे कि आप कोई फिल्म देखनी चाहिए कि नहीं देखनी चाहिए, तो मैं तो ज़रूर कहूँगा कि अगर आप फिल्म देखने के शौकीन हैं तो डेफिनेटली आपको, अगेन मैं सॉरी बार बार फिल्म बोल रहा हूँ, वेब सीरीज़ है ये, तो आपको ये वेब सीरीज़ देखनी चाहिए अगर आप कंटेंट देखने के शौकीन हैं। नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है, 7 एपिसोड्स हैं, बिल्कुल आप देख सकते हैं और आपको डेफिनेटली मज़ा आएगा। आईएमडीबी में भी अराउंड 8.2 की रेटिंग है इसके पास, तो अच्छी खासी कहानी है। नीरज पांडे जी का मतलब राइटर इसके नीरज पांडे हैं और भाव धूलिया साहब ने इसको डायरेक्ट किया है। कुछ अच्छे लोग हैं कास्ट में, तो मतलब बहुत ही शानदार शानदार लोग हैं। करण टक्कर साहब ने तो लीड रोल निभाया ही है अमित लोढ़ा का, अविनाश तिवारी जो बेसिकली चंदन महतो के कैरेक्टर में जो नेगेटिव कैरेक्टर है, बाकी इसके अलावा मतलब सपोर्टिंग एक्टर्स में आशुतोष राणा है, रवि किशन है, अभिमन्यु सिंह है, विनय पाठक जी हैं, अनूप सोनी है, तो इन सब का भी बहुत अच्छा एक कहना चाहिए कि बंच है। और वो होता क्या है, मैं मतलब मेरे को एक चीज़ अच्छी लगी कि जैसे ये बड़े बड़े कलाकार हैं जो सपोर्टिंग रोल करके आए हैं बेसिकली, हालांकि ये मतलब करते नहीं हैं जनरली, बट क्या होता है कि ये जो बड़े बड़े कलाकार जब आपके किसी रोल में आते हैं ना, तो वो कहानी में एक कहते हैं इम्पैक्ट लेके आते हैं। तो वही चीज़ हुई है, हर एक जो कैरेक्टर है, जैसे रवि किशन का बहुत छोटा सा कैरेक्टर है लेकिन बहुत अच्छा है, रवि किशन ने भी एक बहुत मिनिमम कैरेक्टर किया है लेकिन बहुत शानदार कैरेक्टर। इनफैक्ट अनूप सोनी का जो कैरेक्टर है वो मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा। आशुतोष राणा तो यार ऑल टाइम मेरे फेवरेट एक्टर रहे हैं, तो उनका भी थोड़ा सा नेगेटिव है लेकिन अच्छा है, आपको मज़ा आएगा।
मैं सभी के बारे में, विनय पाठक साहब तो है ही शानदार एक्टर, उनका भी छोटा सा रोल है लेकिन अच्छा रोल है। तो ये मैं बोला ना कि छोटे छोटे रोल कर करके लोगों ने अच्छा एक बंच बना रखा है। तो आफ्टर ऑल मतलब ओवरऑल मैं बोलूँ तो फिल्म मेकर्स इस टीम, इस पूरे कहना चाहिए कि इस पूरे प्रोजेक्ट का जो भी कास्ट एंड क्रू था, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। और एट दी एंड अगेन बोलूँगा, स्क्रीन प्ले शानदार है, सिनेमैटिक्स शानदार है, डीओपी ने बहुत अच्छा काम किया है। और मतलब मेरे को जो सबसे ज़्यादा पसंद आया इस पूरी वेब सीरीज में, वो है इसका ड्रोन वर्क। चड्ढा समझाओ इसे, ऐसे खिलौने बाजार में बहुत बिकते हैं। तो मतलब मेरे हिसाब से तो आपको ये कंटेंट ज़रूर जाके नेटफ्लिक्स पर देखना चाहिए। और अगर आप ये कंटेंट मेरा ये वीडियो देखने के बाद देखें, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वेब सीरीज़ कैसी लगी। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि हम पर्टिकुलर किसी फिल्म या किसी सीरीज़ पे रिव्यू बनाएं, नहीं तो आप हमारे कमेंट सेक्शन पे बता सकते हैं। ज़रूर कोशिश करेंगे कि उस पर्टिकुलर कंटेंट पे रिव्यू बनाया जाए। बाकी देखते रहिए खबरी, क्योंकि खबरी की है हर खबर पर नज़र। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।